नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट आर्ट क्या दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट आर्ट जो है कौन कौन सा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डी एफ सी सी एल का प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो साथ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख दे दिया है आप जाकर वहाँ वहाँ जाकर देख सकते हैं आई बटन में भी मैंने दिया है आप देख ही पा रहे होंगे तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं तो आइए दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों आज का जो सेशन है उसमें हम कर करवाने वाले हैं आपको फिफ्टी प्लस वन लाइनर क्वेश्चन क्या दोस्तों फिफ्टी प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन एलिवेंट डी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो सभी दोस्तों जितने भी हैं वो सभी को जोड़ लीजिएगा और सारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट के साथ जुड़ सकें तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की मिल जाए तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे क्या है दोस्तों भारतीय रेल में सर्वप्रथम मतलब कि भारतीय रेलवे में जब भारतीय रेलवे बन रही थी उस ट उस टाइम पर सर्वप्रथम क्या क्या हुआ था तो भारतीय रेलवे में भारत में रेलगाड़ी भारत में रेलगाड़ी का प्रथम इंजन थॉमसन इंजन स्टैंडर्ड गेज क्या दोस्तों जो भारतीय रेलगाड़ी का जो प्रथम इंजन था थॉमसन इंजन स्टैंडर्ड गेज का वो 22 दिसंबर 1851 को रुड़की और वर्तमान उत्तराखंड में चलाया गया था क्या दोस्तों जो भारतीय रेलगाड़ी का प्रथम इंजन जो था थॉमसन इंजन जो था वो जो हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड गेज का था कौन सा था दोस्तों स्टैंडर्ड गेज का था जो कहाँ चलाया गया था हमारा उत्तराखंड में चलाया गया था ठीक है दोस्तों और किस डेट को चलाया गया था बाईस दिसंबर अट्ठारह इक्यावन में चलाया गया था ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा प्रथम रेलगाड़ी क्या दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल अट्ठारह को मुंबई अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तर्म, से थाने के मध्य चली थी दोस्तों आपको डेट याद रखनी है मेन जो इम्पोर्टेंट है इसमें डेट है जो हमारी है 16 अप्रैल सब बच्चे याद कर लेते हैं अट्ठारह में चली थी क्या दोस्तों कि अठारह सौ तिरपन में चली थी ये तो पता होता है बट अगर पूछ लिया जाए मंथ कि किस मंथ भी दे अगर जो ऑप्शन में मंथ भी दे रखा हो और डेट भी दे रखी हो तो कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही नियरली अबाउट ऑप्शन देते हैं ठीक है दोस्तों अप्रैल 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 दे, दे, दे देंगे और आपको डेट दे, दे देंगे अट्ठारह उन्नीस बीस अट्ठाईस या ऐसे कुछ करके फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसी वजह से आपको डेट भी याद रखनी है सोलह अप्रैल अट्ठारह को मुंबई से थाने के मध्य पहली बार ट्रेन भारत में चलाई गई थी ठीक है दोस्तों आगे चलते हम आगे क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम मोनो रेल क्या दोस्तों सर्वप्रथम मोनो रेल सरहिंद से आलमपुर तथा भवानी मंडी से पटियाला के मध्य 1907 में प्रथम ट्रेन 24 अक्टूबर 1850 को बोरी को बोरीबंदर में चलाई गई थी क्या है दोस्तों हमारी सर्वप्रथम मोनो रेल जो है मोनो क्या होता है दोस्तों छोटी टाइप में होता है जो छोटा होता है मोनो रेल सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी दोस्तों सरहिंद से आलमपुर के मध्य या फिर भवानी मंडी से पटियाला के मध्य भवानी मंडी से पटियाला के मध्य चलाई गई थी कब चलाई गई थी दोस्तों उन्नीस सौ में ठीक है दोस्तों ये या आपको याद रखना है प्रथम मेट्रो ठीक है दोस्तों चौबीस अक्टूबर 1850 सौ आगे चलते हम सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर अठारह में नई दिल्ली में की गई थी सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत मतलब जो कंप्यूटर से यात्रियों को आरक्षण व्यवस्था दी जा रही थी ना वो कंप्यूटर के माध्यम से देनी स्टार्ट हुई थी सर्वप्रथम वो पंद्रह नवंबर अठारह को उन्नीस को नई दिल्ली में हुई थी थी दोस्तों पंद्रह नवंबर उन्नीस में दिल्ली से हुई थी ठीक है दोस्तों ये हो गया हमारा आगे चलते हैं सर्वप्रथम ब्रॉड गेज सुपर फास्ट ट्रेन या दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं गेज कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के टाइप्स के होते हैं कौन कौन से ब्रॉड गेज मीटर गेज नैरो गेज ठीक है दोस्तों एक हमारा इन्हीं के अंदर स्टैंडर्ड गेज भी आ जाता है तो ब्रॉड गेज का तो आपको पता ही होगा दोस्तों क्या है हमारा फाइव फुट सिक्स इंच इस टाइप से है या हम इसे लिख सकते हैं वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स मीटर क्या दोस्तों वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स मीटर ये हो गया ब्रॉड गेज का आगे हम बात करें नैरो गेज की या मीटर गेज की मीटर गेज में होता है वन मीटर ओनली ये आपको डायरेक्ट याद रखना है मीटर गेज को हो गया और नैरो गेज में सेवन सिक्स टू सात सौ बासठ mm, एम एम सेंटीमीटर इस टाइप से कुछ करके होता है ठीक है दोस्तों अब हम बात करें क्या है हमारा प्रश्न क्या है हमारा सर्वप्रथम ब्रॉडगेज सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से हावड़ा के बीच राजस्थानी राजधानी एक्सप्रेस जो थी सर्वप्रथम सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज की थी राजधानी एक्सप्रेस ठीक है दोस्तों जो हमारी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी कब चली थी दोस्तों एक मार्च उन्नीस को चली थी क्या कहा दोस्तों मैंने सर्वप्रथम जो ब्रॉड गेज ट्रैक की जो ट्रेन थी सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी राजधानी एक्सप्रेस थी एक तो एक क्वेश्चन हो गया कहाँ से कहाँ तक चली थी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी और एक मार्च उन्नीस को चली थी और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं अभी करंट का बताता हूँ आपको जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है रेलवे का क्या बोल रहा हूँ दोस्तों सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन हाल ही में अभी बहुत ही चर्चा में है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये रेलवे का प्रोजेक्ट है तो कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है दोस्तों ये कसार गोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में बनाया जा रहा है क्या है दोस्तों ये मतलब वहाँ पे जो रेलवे की दूरी को कम करने के लिए लगभग दस घंटे की दूरी को, दूरी को चार घंटे में कंप्लीट करने के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है कसारगोड़ से तिरुवनंतपुरम के बीच में ठीक है दोस्तों एक ये क्वेश्चन हो गया आपका करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताऊँ मैं आपको जो हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन है क्या है दोस्तों ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई ये भी आपको याद रखना है ये कोविड नाइन्टीन के लिए चलाई गई थी दोस्तों ठीक है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी हमारी मुंबई से विशाखापट्टनम क्या दोस्तों मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई थी ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम मीटर गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी सर्वप्रथम मीटर गेज पर किस पर मीटर गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी सत्रह अक्टूबर उन्नीस को नई दिल्ली से जयपुर के पिंक सिटी एक्सप्रेस जो थी हमारी पिंक सिटी एक्सप्रेस ये सर्वप्रथम मीटर गेज की चलने वाली फास्ट रेलगाड़ी थी ठीक है दोस्तों जो कहाँ से कहाँ तक चली थी हमारी नई दिल्ली से जयपुर के मध्य चली थी ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है कब चली थी सत्रह अक्टूबर उन्नीस में ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अब आगे हमारे यहाँ सर्वप्रथम नैरो गेज की सुपरफास्ट ट्रेन सर्वप्रथम गेज की सुपरफास्ट ट्रेन मैंने अभी आपको बताया मीटर गेज नैरो गेज और हमारा गेज तीन टाइप के होते हैं तो सर्वप्रथम गेज की सुपरफास्ट ट्रेन 9 अगस्त उन्नीस सौ को कालका शिमला कौन से दोस्तों कालका शिमला के मध्य शिवालिक डेलक्स कौन सी है दोस्तों शिवालिक डेलक्स एक्सप्रेस जो है वो नैरो गेज की सुपर फास्ट ट्रेन है जो कब चलाई गई थी दोस्तों 9 अगस्त उन्नीस सौ छियानवे चलाई गई और कालका शिमला के मध्य चलाई गई इसे नैरो गेज की शताब्दी एक्सप्रेस भी कहते हैं ये भी ध्यान रखना आपको आपको ध्यान रखना है क्या है दोस्तों शिवालिक डेलक्स जो है उसे नैरो गेज की शताब्दी एक्सप्रेस भी कहा जाता है आगे चलते हैं हम सर्वप्रथम सबसे लंबी क्या है दोस्तों सर्वप्रथम सबसे लंबी रेलवे सुरंग पाँच जुलाई सर्वप्रथम की बात हो रही है दोस्तों सर्वप्रथम सबसे लंबी रेल रेलवे सुरंग पाँच जुलाई उन्नीस में <द्जावरीटी> क्या है दोस्तों मंकी हिल से खंडाला स्टेशन सर्वप्रथम टिकट की शुरुआत ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक बार सही से चेक कर लेते हैं हम सर्वप्रथम सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो हमारी रेलवे सुरंग है वो सबसे पहले कब चलाई गई कब बनाई गई थी दोस्तों पाँच जुलाई उन्नीस में कौन सी है दोस्तों मंकी हिल से खंडाला स्टेशन के बीच में ठीक है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा सर्वप्रथम सबसे लंबी सुरंग जो है पाँच जुलाई उन्नीस को मंकी हिल से खंडाला स्टेशन के बीच में बनाई गई थी नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सर्वप्रथम टिकट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए जो सबसे पहले टिकट की शुरुआत हुई थी वो अट्ठारह सौ चौवन में हुई थी मध्य रेलवे में ये आपको याद रखना है सेंट्रल रेलवे में सर्वप्रथम टिकट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों उन्नीस बयासी में और आपको ये मंथ भी याद रखना है डेट भी याद रखनी है जुलाई पाँच जुलाई उन्नीस सौ बयासी में ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं दोस्तों आप तो स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा यूनियन यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय क्या है दोस्तों यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे श्री आर के सिन्हा क्या दोस्तों आर के सिन्हा ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है किस चीज़ में शामिल हुए थे यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे यू आई सी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे ठीक है दोस्तों आर के सिन्हा आगे चलते हैं सबसे पुराना रेल पुल क्या है दोस्तों सबसे पुराना रेल पुल मुंबई कल्याण सेक्शंस का थाने क्रीक रेल पुल कौन सा है दोस्तों क्या हो गया दोस्तों सबसे पुराना रेल पुल मुंबई कल्याण सेक्शन का थाने क्रीक रेल पुल निर्माण अट्ठारह से तिरपन में किया गया था ठीक है दोस्तों सबसे पुराना रेल पुल जो है उसका निर्माण अट्ठारह से तिरपन के मध्य किया गया था कौन सा था दोस्तों दोस्तो? क्रीक रेल पुल ठीक है दोस्तों मुंबई कल्याण सेक्शन का थाने आगे चलते हैं दोस्तों सबसे पुराना संस्थान क्या पूछा है दोस्तों सबसे पुराना संस्था, संस्थान आसनसोल का डुरंड संस्थान क्या है दोस्तों आसन आसनसोल का डुरंड संस्थान अठारह अठार की बात हो रही है वर्तमान में इसे विवेकानंद संस्थान कहते हैं आसनसोल का डुरंड संस्थान को विवेकानंद संस्थान कहते हैं वर्तमान में ये सबसे पुराना संस्थान है सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्या है दोस्तों सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी जनता एक्सप्रेस 15 नवंबर 1948 में पटना से दिल्ली में चली थी ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी 15 नवंबर 1948 को पटना से दिल्ली के मध्य चली थी आगे चलते हैं दोस्तों भारत में सर्वप्रथम ट्राम कार सेवा क्या है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम ट्राम कार सेवा सियालदह से अमेरियम घाट के बीच कोलकाता में 24 फरवरी 1873 को चली थी ठीक है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राम कार सेवा सियालदह से अमेरनीयम घाट के बीच कलकत्ता में 24 फरवरी अठारह को चलाई गई थी सर्वप्रथम so, सिग्नल पर सिग्नल प्रणाली की शुरुआत कब हुई दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं आपके लिए काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे से टेस्ट में सिग्नल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या है दोस्तों सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगा सिग्नल के लिए कि कौन सा सिग्नल कौन सा प्रतीक किस चीज़ के लिए होता है किस चीज़ का स्टॉप के लिए होता है कौन सा कैसे होता है ठीक है दोस्तों तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि सर हाँ मुझे भी ज़रूरत है इसलिए दोस्तों आठ दस कमेंट कर दीजिएगा मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन सर्वप्रथम सिग्नल प्रणाली की शुरुआत कब हुई कब हुई दोस्तों अट्ठारह में ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम प्रथम आई ओ आई एस ओ दो हज़ार कोड है दोस्तों प्रथम आई एस ओ दो हज़ार प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेल कारखाना कौन सा था मिले गोल्डन रॉक अट्ठारह उन्नीस सौ छियानवे में उन्नीस सौ छियानवे में सर्वप्रथम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेल कारखाना मिले गोल्डन रॉक ठीक है दोस्तों प्रथम आई एस ओ दो हज़ार वाला यात्री रेलगाड़ी में सर्वप्रथम सी बी सी कपलिंग का उपयोग प्रयागराज एक्सप्रेस ने किया यात्री रेलगाड़ियों में सर्वप्रथम सी बी सी कपलिंग का उपयोग प्रयागराज एक्सप्रेस ने किया था ठीक है दोस्तों मोबाइल फ़ोन द्वारा सर्वप्रथम आरक्षण दोस्तों पहले बताया था मैंने कंप्यूटर ही करथ अभी पीछे जो बताया था मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड आरक्षण जो होने वाला था उसका बताया था अब आ गया मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन द्वारा सर्वप्रथम आरक्षण दिल्ली नई दिल्ली में दो में स्टार्ट हुआ कि मोबाइल फ़ोन से सीटों के लिए आरक्षण मिलने लगा तो नौ सितंबर 2004 से स्टार्ट हुआ ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आगे चलते हैं प्रथम डाक टिकट क्या है दोस्तों प्रथम डाक टिकट 10 दिसंबर 1936 को किंग जॉर्ज फोर्थ क्या है दोस्तों किंग जॉर्ज दोस्तो? फोर्थ ने भाप इंजन फोर ए एस आपको नहीं दिख पा रहा होगा इसलिए लिख दिया है का टिकट जारी किया प्रथम डाक टिकट 10 दिसंबर 1936 को किंग जॉर्ज फोर्थ ने भाप इंजन फोर ए एस का टिकट जारी किया था ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस सन 1870 में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा सर्वप्रथम चलित पोस्ट ऑफिस रेलगाड़ी में लगाया गया क्या दोस्तों सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस की सुविधा जो, जो है सन अठारह में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा सर्वप्रथम चलित पोस्ट ऑफिस रेलगाड़ी में लगाया गया था सर्वप्रथम आई एस ओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेल कार्यालय कौन सा दोस्तों मध्य भारत वर्ष 2003 में मध्य भारत रेलवे जो है सर्वप्रथम आई एस ओ नौ प्राप्त करने वाला रेल प्रशासनीय प्रशासकीय कार्यालय था ठीक है दोस्तों प्रथम चल टिकट वाहन की सुविधा पश्चिमी मध्य रेलवे भोपाल और कटनी स्टेशनों के बीच हुई क्या है दोस्तों प्रथम चल टिकट वाहन की सुविधा प्रथम सौप्रथम चल टिकट वाहन की सुविधा जो है वो पश्चिमी मध्य रेलवे भोपाल और कटनी स्टेशनों के बीच चलाई गई थी ठीक है दोस्तों देश का पहला आई एस ओ प्रमाणित स्टेशन कौन सा है दोस्तों ये आपको याद रखना है ना है कोड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता है कि देश का पहला आई एस ओ से 2000 प्रमाणित प्राप्त करने वाला प्रमाणित स्टेशन कौन सा है मध्य रेलवे में भोपाल मंडल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे में भोपाल मध्य रेलवे के अंदर भोपाल मंडल भोपाल मंडल के अंदर हबीबगंज रेलवे स्टेशन ने शोप्रथम नौ हज़ार एक दो हजार आई एस ओ का प्रमाणित रेलवे स्टेशन है आगे चलते हैं दोस्तों पहला आरक्षण केंद्र पहला आरक्षण केंद्र जिसे आई एस ओ प्रमाण पत्र दिया गया मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में बम्बई मुंबई एट प्रजेंट में जो पहला आरक्षण केंद्र है जिसे आई एस ओ प्रमाण पत्र दिया गया था ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम डीलक्स ट्रेन कौन सी है डेक्कन क्वीन सर्वप्रथम डीलक्स ट्रेन कौन सी है दोस्तों डेक्कन ट्वीन डेक्कन क्वीन एक जून उन्नीस सौ तीन को तीस को इसका निर्माण हुआ था एक जून उन्नीस सौ तीस को इसका निर्माण हुआ था दोस्तों मैं आप आपको एक बिग अपडेट दे दूँ हमारी सोलह अगस्त क्या दोस्तों सोलह अगस्त पंद्रह अगस्त से अगले दिन सी आर एम की महामारथोन का भाग दो आ रहा है क्या दोस्तों पहला हमने डाल दिया था जो हमारा साढ़े तीन घंटे का था लगभग इस बार उससे भी बड़ा होने वाला है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेहनत के साथ मनाई जा रही है आपके लिए तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके बीच में सी आर एम महामेराथन का भाग दो सोलह अगस्त सुबह दस बजे आपको अपडेट दे दिया मैंने तो अब सभी को बता दीजिएगा ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम रेल दुर्घटना सर्वप्रथम रेलगाड़ी से जो दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी पच्चीस जन जन्वर... पच्चीस जनवरी अट्ठारह में पुणे मुंबई मार्ग के बीच में पुणे और मुंबई मार्ग के बीच में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी अठारह को हुई ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम पूर्णतः आरक्षित एक्सप्रेस रेलगाड़ी सर्वप्रथम पूर्णतः अनारक्षित जो आरक्षण नहीं था जिसमें सर्वप्रथम पूर्णतः अनारक्षित रेल एक्सप्रेस रेलगाड़ी पहुंची थी दोस्तों जनसेवा एक्सप्रेस जनसेवा एक्सप्रेस सूरत व वाराणसी के मध्य चलाई गई थी कब 6 जुलाई उन्नीस में ठीक है दोस्तों 6 जुलाई उन्नीस में जनसेवा एक्सप्रेस सूरत वाराणसी का मध्य चलाई गई थी जो सर्वप्रथम पूर्णतः अनारक्षित एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम संचार सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग सर्वप्रथम संचार सुविधा हेतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चर्च गेट विरार रेलखंड मध्य के बीच में शुरू हुआ कहाँ शुरू हुआ दोस्तों चर्च गेट विरार रेलखंड के मध्य सर्वप्रथम संचार सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत हुई थी आगे चलते हैं दोस्तों क्या है आगे क्वेश्चन देख पा रहा हूँ आप स्क्रीन पर सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन ऑन हील्स क्या है दोस्तों सर्वप्रथम लॉकर ऑन हील्स की सुविधा नई दिल्ली लखनऊ के मध्य चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में थी सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन व्हील्स जिसमें लॉकर्स दिए जाते थे क्या दोस्तों लॉक्स सर्वप्रथम लॉकर्स ऑन व्हील्स की सुविधा नई दिल्ली लखनऊ के मध्य चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में लगाई गई थी सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कौन से दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स उन्नीस में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स उन्नीस में आगे चलते हैं दोस्तों सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी उन्नीस में बम्बई और बदौदा के बीच में बड़ौदा के बीच में ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है हमारी 1936 में मुंबई से बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट की शुरुआत मध्य रेलवे और बंबई के बीच में मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्वेश्चन सर्वप्रथम कंप्यूटर का टिकट की शुरुआत मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे में और मुंबई में ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम रेल पटरी का निर्माण भारतीय रेलवे इस्पात प्राधिकरण के भिलाई संयंत्र में सर्वप्रथम रेल पटरी का निर्माण भारतीय रेल इस्पात प्राधिकरण के भिलाई संयंत्र में दोस्तों कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है ये भिलाई इस्पात संयंत्र हमारा छत्तीसगढ़ में ठीक है दोस्तों किसकी सहायता से बनाया गया था रूस की सहायता से बनाया गया था रूस की सहायता से बनाया गया था आगे चलते हैं सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों एक मार्च उन्नीस में नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में ठीक है दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस आगे चलते हैं हम स्वदेश निर्मित सर्वप्रथम रेल डिब्बा क्या दोस्तों स्व रेल डिब्बा स्वदेश निर्मित मतलब भारत के द्वारा निर्मित कब बनाया गया था दो अक्टूबर 1955 में ठीक है दोस्तों दो अक्टूबर 1955 में सर्वप्रथम रेल डि रेल डिब्बा स्वदेश निर्मित भारत द्वारा निर्मित बनाया गया था सर्वप्रथम मीटर गेज रेल प्रणाली की शुरुआत 14 फरवरी कब दोस्तों अठारह को राजपूताना मालवा रेलवे द्वारा दिल्ली रेवाड़ी के मध्य स्टार्ट हुई थी क्या दोस्तों सर्वप्रथम मीटर गेज रेल प्रणाली की शुरुआत क्या है दोस्तों सर्वप्रथम मीटर गेज रेल प्रणाली की शुरुआत चौदह फरवरी अठारह को राजपुताना मालवे रेलवे द्वारा दिल्ली रेलवे के मध्य स्टार्ट हुई थी ठीक है दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर उन्नीस को नई दिल्ली से अमृतसर नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस क्या है? दोस्तों सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा की जो सुविधा दी गई थी वो बीस दिसंबर उन्नीस को स्टार्ट होने वाली नई दिल्ली में अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस थी ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम कंप्यूटर का आरक्षण टिकट प्रणाली ये हमने आपको दिया है आगे चलते हैं सर्वप्रथम टिकट का आरक्षण क्या है दोस्तों सर्वप्रथम ट्रक्स टिकट का आरक्षण सत्रह अप्रैल अठारह को बम्बई के थाने बम्बई के मध्य बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में दी गई थी सर्वप्रथम टिकट का आरक्षण प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्रता के पूर्व कौन है दोस्तों असफअली क्या लिख रहा है यो आसफ अली ठीक है दोस्तों आसफ अली है दोस्तों क्या है दोस्तों आसफ अली प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्रता के पूर्व के ठीक है दोस्तों प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्रता पश्चात ये स्वतंत्रता से पहले के हैं ठीक है दोस्तों कौन से आसफ अली और ये स्वतंत्रता के बाद के हैं जो प्रथम रेल मंत्री है कौन है दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई डॉक्टर जॉन मथाई ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं प्रथम क्लीन ट्रेन स्टेशन कौन सा है दोस्तों पश्चिमी रेलवे का रामतल रेलवे स्टेशन क्या है दोस्तों प्रथम क्लीन ट्रेन स्टेशन पश्चिमी रेलवे का रत रतलाम रतलाम रेलवे स्टेशन जो है वो प्रथम क्लीन रेलवे स्टेशन था पश्चिमी रेलवे का रेलों में घटित होने वाले रेलों में घटित होने वाली अपराधों का भ्रष्टाचार के प्रति प्रभावी रोकथाम करने हेतु योजना वर्ष 2005 में रेल दूत योजना चलाई गई थी कौन सी है दोस्तों रेल दूत योजना 2005 में रेल में घटित होने वाले अपराधों या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चलाई गई योजना थी ठीक है दोस्तों इस वीडियो से आपके दोस्तों सारी रेलवे हिस्ट्री तो कम्प्लीट होने वाली है ये तो आपको पता चल ही गया होगा इसमें सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके रेलवे हिस्ट्री को कम्प्लीट कर देंगे बिल्कुल ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं क्या है दोस्तों एसएमएस के द्वारा प्रथम रेल आरक्षण एस एम एस के द्वारा दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर करता है फिर मोबाइल के द्वारा अब एस एम एस के द्वारा प्रथम रेल आरक्षण भारतीय रेल खान पान तथा पर्यटन निगम द्वारा आइडिया ऑपरेटर के द्वारा महाराष्ट्र गोवा गुजरात आंध्र प्रदेश दिल्ली और रिलायंस क्या है इन इनफोकम द्वारा सभी सर्कल में छब्बीस अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था प्रथम एस एम एस द्वारा रेल आरक्षण ठीक है दोस्तों छब्बीस अगस्त दो को स्टार्ट किया गया था इन इन राज्यों में आप देख ही पा रहे होंगे आगे चलते हैं दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी ठीक है दोस्तों टेलीग्राम चैनल किस नाम से आई पेपर क्लासेस के नाम से ही है जैसे जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी आपको उस पर मिल जाएंगी सर्वप्रथम ऑनलाइन इंटरनेट आरक्षण टिकट बुकिंग सर्वप्रथम ऑनलाइन इंटरनेट आरक्षण टिकट बुकिंग ऑनलाइन दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर ग्रत हुआ था मोबाइल से हुआ एसएमएस के द्वारा हुआ अब ऑनलाइन ऑनलाइन टिकट बुकिंग तीन अगस्त 2002 हज़ार दो तीन अगस्त 2002 को नई दिल्ली स्थित कार्यालय में हुई थी स्टार्ट प्रथम रेलवे ओवरब्रिज उन्नीस में बम्बई में ग्रेट रोड मिरगांव बैंक रोड कौन सा है दोस्तों सर्वप्रथम रेलवे ओवरब्रिज उन्नीस में बम्बई में ग्रेट रोड कौन सा दोस्तों ग्रांट रोड मिरगांव बैंक रोड है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं भारतीय रेलवे के जनक किन्हें माना जाता है भारतीय रेलवे के जनक किन्हें माना जाता है नाना शंकर सेठ प्रथम भारतीय निदेशक नाना शंकर सेठ प्रथम भारतीय निदेशक हैं जो भारतीय रेल के जनक हैं सबसे बड़ा इंटरचेंज रेलवे जंक्शन कौन सा है मुग़ल सराय सबसे बड़ा इंटरचेंज क्या दोस्तों जिसमें रेलवे क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो इंटरचेंज रेलवे जंक्शन कौन सा है मुग़ल सराय विश्व विरासत रेलवे रेलवे भवन कौन सा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो विश्व विरासत है दोस्तों ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है आगे चलते हैं रेलवे द्वारा माल ढुलाई में सर्वप्रथम ढुलाई कोयला रेलवे द्वारा सर्वप्रथम जो माल की ढुलाई हुई थी इसमें सबसे पहले कौन सा यूज़ किया गया था कोयले को यूज़ किया था ढुलाई के लिए प्रथम विद्युत रेलगाड़ी क्या है दोस्तों प्रथम विद्युत रेलगाड़ी तथा उसके प्रथम मोटरमैन भारत एव, एशिया के प्रथम मोटरमैन श्री जहांगीर प्रेजमी दारू वाला थे कौन से दोस्तों जहांगीर प्रेजमी दारू वाला थे ठीक है दोस्तों जो प्रथम विद्युत रेलगाड़ी तथा उसके प्रथम मोटरमैन तथा भारत एशिया के प्रथम मोटरमैन के नाम से जाने जाते हैं ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं सर्वप्रथम इंटरनेट इंटरनेट वेबसाइट क्या है दोस्तों सर्वप्रथम इंटरनेट वेबसाइट इकतीस मार्च उन्नीस को पश्चिमी रेलवे में स्टार्ट हुई थी सर्वप्रथम इंटरनेट वेबसाइट इकतीस मार्च उन्नीस में पश्चिमी रेलवे में स्टार्ट हुई थी आगे चलते हैं सर्वप्रथम so, एसी विद्युत रेल इंजन सर्वप्रथम ए सी विद्युत रेल इंजन नाम जगजीवन इसे एक जनवरी उन्नीस को आसनसोल में चलाया गया क्या है दोस्तों जग जीवन को एक जनवरी उन्नीस को आसनसोल में चलाया गया था सर्वप्रथम ए सी विद्युत रेल इंजन है बिजली से चलने वाली सर्वप्रथम रेलगाड़ी क्या है दोस्तों करंट से चलने वाली सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब स्टार्ट की गई थी तीन फरवरी उन्नीस में बॉम्बे बीटो से कुर्ली के बीच में बॉम्बे बीटो से कुर्ला के बीच में तीन फरवरी 1925 में स्टार्ट की गई थी सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा और दोस्तों हमने लगभग मुझे लग रहा है मुश्किल से मुश्किल सिक्सटी प्लस तो वन लाइनर क्वेश्चन लिए ही हैं क्या है दोस्तों सिक्सटी प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें और दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके रेलवे स्टेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें इसमें आपकी योजनाएं भी आ चुकी हैं सारी की सारी कि कौन सी योजनाएं कब चलाई गई तथा रेल के जनक भी हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो ब्रॉड गेज रेल नैरो गेज तथा तो मीटर गेज से रिलेटेड है कौन कौन सी ट्रेन जो है हमारी चलाई गई थी और आई कोड के भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ हैं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं और दोस्तों एक ये बिग अपडेट थी जो मैंने आपको बीच में दी थी सी की महा मैराथन क्लास पार्ट टू क्या है दोस्तों सी की महा मैराथन क्लास पार्ट टू जो है वो आने वाली है दोस्तों कब 16 अगस्त मॉर्निंग टेन ओ क्लॉक सोलह अगस्त को दस बजे आप सभी को ठीक है दोस्तों तैयार रहना है सी आर एम की महामैराथन क्लास के लिए जो हमारी थ्री पॉइंट फाइव हावर से ज़्यादा ही होने वाली है प्लस इससे भी ज़्यादा ही होने वाली है लगभग फोर हावर की बन जाएगी तो दोस्तों इसमें हमारी सी आर एम कम्प्लीट हो जाएगी दो भाग के अंदर आप सभी को तैयार रहना है दोस्तों और वीडियो में इतना ही बस जय हिंद भारत जाह सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए